बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मज़े में होंगे। आज दोबारा से हाज़िर हो गए हैं एक और बड़ी मज़े की वीडियो के साथ, और वीडियो बहुत कमाल की है, ख़ासकर उन फ्रीलांसर्स के लिए जो लिस्ट बिल्डिंग का काम करते हैं, जो लिस्ट बिल्ड करके देते हैं, क्लाइंट्स ढूंढ के देते हैं लोगों को, यानी कि लीड्स ढूंढ के देते हैं, उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ासकर वो लोग जो काम कर रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो लिंक्डइन से जो ईमेल निकालना या फ़ोन नंबर निकालना वो काफ़ी मुश्किल काम है, ख़ासकर ईमेल, मोस्टली ईमेल चाहिए होता है कि हमने ईमेल निकालना होता है। अब जिस टूल के बारे में आज बताने जा रहा हूँ, टूल बहुत कमाल का है, और कमाल का ऐसे भी आप इससे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं अगर अवेलेबल है तो लिंक्डइन के ऊपर, नहीं तो लिंक्डइन से आपको ईमेल भी मिल जाएगा। आप एक लिस्ट बना के ईमेल की आईडी जो है, लिंक्डइन आईडीज़ की अगर आप लिस्ट बना लेते हैं तो आप उसको डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, वो भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर ईमेल कैंपेन का ऑप्शन है, इसके साथ आपकी इंटीग्रेशन हो जाती है, आपके जो हैं CRMs हैं उनकी इंटीग्रेशन हो जाती है, काफ़ी सारे हैं, मैं इंशाल्लाह आपको अभी दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर जाके। तो अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहा करें, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये है कॉन्टैक्ट आउट के रिलेटेड। कॉन्टैक्ट आउट एक बहुत ही पावरफुल टूल है, और ये एक्सटेंशन है, वेबसाइट भी है इनकी, और एक एक्सटेंशन है जो आपके किसी भी ब्राउज़र के अंदर लग जाती है एक्सटेंशन, और इसके थ्रू आप सर्च कर सकते हो ईमेल्स को, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को थ्रू लिंक्डइन, ठीक है। और इसके अलावा आप इस पर ईमेल कैंपेन्स भेज सकते हैं, आप इसमें इंटीग्रेशन कर सकते हैं मुख्तलिफ CRMs की, और काफ़ी कुछ है, आपको इंशाल्लाह जाके दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर कि इसका क्या क्या तरीका है, इसको यूज़ किस तरह से करते हैं। और मैं चलें आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पे, और वहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेल जो है वो बताता हूँ इंशाल्लाह। चलें ज़रा स्क्रीन पे चलते हैं जी। हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ हमने क्या करना है, वहाँ लिखें या यहाँ लिखें कॉन्टैक्ट आउटरूम एक्सटेंशन, बहुत मज़े की एक्सटेंशन है, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब ये स्पॉन्सर्ड में भी सामने शो हो रही है, अगर आप इसी को ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद आप इसको अपने जो है क्रोम में इंस्टॉल कर लें। मैंने सॉरी ये कौन सी, तो कोई और आ गई है, इसको ओपन नहीं करना, सॉरी, कॉन्टैक्ट आउट, कॉन्टैक्ट आउट या क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसको कर दिया अपने जो है, ये देखें मेरे सामने ये एडिड है, आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ से अगर एक्सटेंशंस के अंदर जाते हैं तो एक्सटेंशंस के अंदर ये फाइंड एनीवनस ईमेल कॉन्टैक्ट आउट, ये मेरी एक्सटेंशन जो है हुई खड़ी है और एक्टिव भी खड़ी है, ठीक है। दूसरा ये माय अकाउंट, क्योंकि मैंने अकाउंट जो है लॉगिन किया हुआ है, ये मेरा अकाउंट है, आप लोग देख रहे हैं ये अकाउंट, ठीक है। माय प्रोफाइल, ईमेल क्रेडिट्स वगैरह, ये वो सब आपको ट्रायल पे पहले मिल जाता है। अब इसमें सर्च का ऑप्शन, लिस्ट, कैंपेन्स, इनरिचमेंट, इंटीग्रेशन, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो अवेलेबल होती हैं इसके अंदर। तो इसका और सीन क्या है, अब यहाँ मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले सिंपल तरीका जो लिंक्डइन वाला है मैं आपको वो दिखा दूँ कि लिंक्डइन से हमने डाटा किस तरह से इसका निकालना है। ये कोई भी कॉन्टैक्ट, मेरी ये कॉन्टैक्ट नहीं है, ये कनेक्ट करने का यानी कि ऑप्शन दे रहे हैं, तो इसको मैं दोहराता हूँ असद शहजाद को, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, आईडी खुल गई, आईडी खुलने के बाद हमें चाहिए जी इसका ईमेल एड्रेस। तो हम ईमेल एड्रेस किस तरह से ओपन करेंगे, सिंपल, ये एक्सटेंशंस वाली जगह में जाएंगे, ठीक है। एक्सटेंशंस मेरे पास ज़्यादा सारी हैं इसलिए यहाँ शो नहीं हो रही, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे जैसे ये दो तीन आ रही हैं इस तरह से ये सामने शो हो रही होगी, अगर आपने एक दो ही एक्सटेंशन रखी हुई हैं तो एक्सटेंशन में से इसको कॉन्टैक्ट आउट को ओपन करेंगे। ये सर्च का ऑप्शन है, ये मैं आपको उधर बाद में दिखाऊंगा, ये जो आ रहा है ट्राई नाउ वाला। तो असद शहजाद CEO, ये जो भी इसका कंपनी का वेबसाइट नेम दिया हुआ है, नीचे ईमेल एड्रेस, व्यू ईमेल, सिंपल, ये दो ईमेल्स उसके आपके सामने शो हो गए। यहाँ से आप इसको कॉपी करें, आपने जो शीट बनाई हुई है, लिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर जाके पेस्ट कर दें, ठीक है। ईमेल आपको मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड थिंग मैंने आपको बताई थी कि फ़ोन नंबर भी मिल सकता है, अगर तो फ़ोन नंबर इसका अवेलेबल होगा तो हमें मिलेगा, ये मैं आपको फाइंड फ़ोन पे, ओह वेरी गुड, ग्रेट, इसका फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है। सो यहाँ से हम कॉपी करके, ये कॉपी कॉपीड, और जाके अपने लिस्ट के अंदर जो है निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको यहीं पे एक और चलो करके दिखाता हूँ, ये अहमद रज़ा का दिखा देते हैं हम आपको, ये मेरे कनेक्ट में नहीं है, मैंने इनको फॉलो नहीं किया हुआ, ठीक है ना। रैंडम पीपल जिनको मैं सर्च कर रहा हूँ और जिनका मैं डाटा निकालना चाह रहा हूँ, निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। ये फ्यू ईमेल, ये ईमेल आ गया, फाइंड फोन, इसका फ़ोन नहीं था, द फोन नंबर फॉर दिस प्रोफाइल इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, अब दोनों चीज़ें वेरीफाई होगी, अगर कॉन्टैक्ट डिटेल में फ़ोन नंबर है तो आपको मिलेगा, अगर उसकी डिटेल में फ़ोन नंबर नहीं दिया हुआ तो आपको वो नहीं मिलेगा, सिर्फ ईमेल मिलेगा, ठीक है।
ये दो चीज़ें आ गई। अब आपके लिए लिस्ट बिल्ड करना, ईमेल लिंक्डइन से ईमेल्स निकालना बहुत आसान है यहाँ से। दूसरी चीज़ यहीं पे, अगर आपने अपना इंटीग्रेशन की हुई है लेवर की, ग्रीन हाउस, सेल्स फोर, हब स्पॉट, बुलहॉर्न, जेपियर, किसी की भी, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपने ये लिस्ट सेव कर सकते हैं, सेव टू लिस्ट, ठीक है, लिस्ट पे जाएगा। जैसे कि ये आपको मैं दिखाता हूँ, इंटीग्रेशंस जो हैं, ये कॉन्टेक्ट आउट मैंने ओपन कर लिया, लेवर कनेक्ट करना है अगर आपने, ग्रीन हाउस करना है, सेल्स फोर्स, हब स्पॉट, बुलहॉर्न, जेपियर, MOCRM, जॉब एडर, गूगल शीट करनी है, कैट्स, ये सब चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं इसके साथ। ये बहुत मज़े की चीज़ है, एक आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये आपकी लिस्ट का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे जो आप लिस्ट अपनी बना के रखते हैं, जो उधर आप सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ थी, मैं आपको ज़रा वो भी दिखा दूँ, सेव टू लिस्ट, ATS, CRM, ठीक है, CRM वगैरह मैं अपने यहाँ से डायरेक्ट करना है। तो ऐड टू ईमेल कैंपेन, अगर आपने ईमेल कैंपेन्स बनाई हुई हैं, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू ईमेल कैंपेन का कह रहा है, मेरे पास नहीं बनी हुई, यहाँ पे कॉन्टैक्ट आउट के अंदर ये कैंपेन्स हैं, लिस्ट आपने यहाँ पे बना लेनी है, लिस्टें आपकी बनी होंगी, यहाँ से आप ईमेल कैंपेन्स चला सकते हैं सीधी साधी, ठीक है। क्रिएट अ न्यू कैंपेन, यहाँ पे आप कैंपेन बना सकते हैं, पहले आप ये डेमो देख लें अगर आप बनाना चाह रहे हैं, बहुत सिंपल सा चीज़ है। और इंटीग्रेशंस का मैंने आपको बता दिया, इनरिचमेंट लास्ट पे आपको मैं सर्च का बताऊँगा, सर्च बहुत कमाल की चीज़ है इसकी, ठीक है। तो इनरिचमेंट के अंदर क्या चीज़ होती है, ये ज़रा ओपन हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अगर आपके पास लिस्ट है CSV फॉर्मेट के अंदर, सपोर्टेड CSV फॉर्मेट, CSV सारी की सारी, ठीक है, आपके पास LinkedIn के URLs हैं, IDs के URL, यानी कि ये ओपन है, इसको ओपन किया, यहाँ पे ये क्लिक कॉपी पेस्ट, ये आपने लिंक डाल दिया, ठीक है। ये लिंक्स आपने, ये वाले LinkedIn के जो लिंक्स हैं, ये आपने शीट बनाई हुई है, एक लिस्ट बनाई हुई है, वो यहाँ पे अपलोड करो, अपलोड करने के बाद सबमिट करो, आपको उसके ईमेल्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। इनपुट LinkedIn URLs एंड गेट ईमेल, फ़ोन एंड प्रोफाइल डाटा, आपको सारा डाटा अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम डोमेन, ये है डोमेन, डोमेन क्या होती है, अगर किसी कंपनी का है तो कंपनी की जो वेबसाइट है वो आपने डाली, साथ फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये डले हुए हैं आपकी लिस्ट के अंदर, तो आपको यहाँ पे उसके वर्क ईमेल मिल जाएंगे, ठीक है। थर्ड है ईमेल एड्रेस, इनपुट ईमेल एंड गेट लिंक्डइन प्रोफाइल डाटा, अगर आपके ईमेल एड्रेसेस हैं आप उनको यहाँ पे CSV फॉर्मेट के अंदर फाइल को अपलोड करो, तो आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल जो है उनकी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी, जिनकी अवेलेबल होंगी, जिनकी बनी हुई होंगी लिंक्डइन की। कंपनी डोमेन, इनपुट कंपनी वेबसाइट एंड गेट कंपनी डाटा, अगर आपके पास कंपनी डोमेन है, वेबसाइट है, कंपनी की वेबसाइट डालो, ठीक है, और कंपनी का पूरा डाटा जो है वो आपको ये निकाल के दे देगा। अब आखिरी चीज़ है सर्च, वैसे सबसे पहले होनी चाहिए थी सर्च, सर्च बहुत मज़े की चीज़ है। सर्च में क्या है, सर्च के अंदर ओपन हो जा भाई, सर्च 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 सर्च, यार सर्च ओपन नहीं हो रही, हालांकि ये बहुत मज़े की चीज़ है सर्च जो है। इसमें आप यहाँ से, आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, ये आएंगे यहाँ पे, हमें ये ट्राई इट नाउ, ये सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ ओपन नहीं हो रहा, मैं भी एन इशू। सो इस तरह से अगर आपने पीपल सर्च करना, तो यहाँ पे उसका नेम लिखो, यहाँ पे जॉब टाइटल लिखो, मैं लिखता हूँ सियाल, ठीक है। सीनियरिटी, स्किल्स, ईयर्स इन रोल, जो जो आपके पास डाटा अवेलेबल है उसका आप वो डाल सकते हो, डालने के बाद आप सर्च कर दो। मैंने सिर्फ मार अजीम सियाल लिखा, तो आई थिंक लिंक्डइन पे मार अजीम सियाल एक ही अजीम सियाल बहुत होंगे। सो हियर आई एम अवेलेबल, ऑर्गेनाइजेशन ASVL मेरी आईडी है, ठीक है, ये सब कुछ मेरी डिटेल्स हैं, ये मेरी प्रोफाइल का डाटा पूरा आ गया है, ये ईमेल आ गया है, फाइंड फ़ोन नंबर करेंगे तो मैंने नहीं लगाया हुआ, सो अनएबल टू फाइंड फ़ोन आएगा, ठीक है। इसको हम अगर सेव करना चाहें तो ये सेव हमारी लिस्ट के अंदर हो जाएगा। कॉन्टैक्ट आउट प्लेटफॉर्म फोल्डर कौन सा है, हमने यहाँ बना देना है फोल्डर, उसके अंदर हमने लगा के इसको सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ये मे बी इस नेम से होगी मेरे भाई की आईडी, बट नहीं, इस नेम से नहीं है, बासित सियाल के नाम से होगी, मैं इसको आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, अब्दुल बासित आया। बहरहाल अगर हम यहाँ पे जॉब टाइटल वगैरह और आपके पास डिटेल्स बंदे की मौजूद है कि वो किस कौन सी कंपनी में काम करता है, वो चीज़ आप यहाँ डालेंगे वो आ जाएगी। या आपने अगर कंपनीज सर्च करनी है तो कंपनीज़ वाले टैब में जाएंगे, कंपनीज़ वाले टैब में यहाँ कंपनी आप डालेंगे, लोकेशन कौन से मुल्क में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया या कौन सी जगह पे है, यहाँ पे आप डाल के इंडस्ट्री कौन सी है ये डिटेल्स आप डालेंगे, रेवेन्यू वगैरह अगर आप डालना चाहें तो, उसके बाद सर्च करेंगे तो आपको डाटा आ जाएगा, ठीक है। या अगर आप सिंपल यहाँ पर मैंने पीपल पे सर्च किया, मैंने कोई बंदा का अगर मैं नाम नहीं लिखता, जैसे इन्होंने ये रैंडम पीपल्स के नाम निकाल के रख दिए, और प्रोफाइल्स कितनी हैं गिनने में मुश्किल हो रहा है यार,
नहीं सकना, ज़्यादा 10 करोड़ 30 करोड़ 63 लाख 21,593 प्रोफाइल्स जो इनके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। 30 करोड़ कितनी होती हैं यार, आइडिया लगा लो, आई थिंक 300 मिलियन होगा, ऐसे बन रहा है। सो आप इनका व्यू ईमेल कर सकते हो, फाइंड फ़ोन कर सकते हो, व्यू ईमेल फ़ोन फाइंड फ़ोन, जितना डाटा आप यहाँ से निकालना चाहो, ये इनका डाटा है, इनका यानी कि जो एक डाटे का भंडार है उसमें से आप सर्च कर सकते हो और आपको यहाँ से वो मिलेगा, ठीक है। ये अपवर कह रहा हूँ, लिंक्डइन की डाटा है, लिंक्डइन के बाद इनका फेसबुक है, ट्विटर है, गिटहब है और प्रोफाइल लिंक्डइन की है, ये सारी की सारी आपको अवेलेबल होंगी यहाँ पे कॉन्टैक्ट आउट के अंदर। और कॉन्टैक्ट आउट बहुत कमाल का ये टूल इन्होंने दिया, इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके ज़रिए आप ईमेल लिस्ट बिल्डिंग कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो, अपनी फील्ड के रिलेटेड आप लोग ढूंढ के बंदे, उनका ईमेल फ़ोन नंबर निकाल के उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप अपने ईमेल्स कर सकते हो। और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कॉन्टैक्ट आउट, लाजमी इसको ट्राई कीजिए। जो लोग फ्रीलांसर्स खासकर ईमेल्स ढूंढने के लिए बहुत परेशान होते हैं लिंक्डइन के ऊपर, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि आपको वैसे ईमेल इनका नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होता है, किसी ने दिया होता है, अदरवाइज कोई भी नहीं देता, तो आपको ये बिल्कुल ईजिली यहाँ से मिल सकता है। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।